मंत्री के आदेश के बाद रीवा में एक हुक्का बार किया गया सील। नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्यवाही। पिछले दिनों इस हुक्का बार में पुलिस के छापे के बाद अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई गई थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रीवा में एक हुक्का बार किया गया सील। नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्यवाही। पिछले दिनों इस हुक्का बार में पुलिस के छापे के बाद अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई गई थी। समान थाना अंतर्गत मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रीवा में हुक्का बार हुआ सील। पिछले दिनों यहां पर अवैध गतिविधियां संचालित पाई गई थी। रीवा पुलिस इन दिनों तेजी से कार्रवाई कर रही है, खास तौर से हुक्का बार, नशीली कप सिरप और अवैध शराब को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थ की बिक्री सेवन के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री के चलते अपराधों में बाढ़ सी आ गई है। रीवा जिले में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सजग नजर आ रहा है। इस समय वह लगातार कार्रवाई करने के मूड में भी दिखाई दे रहा है। माना जा सकता है पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, उसके बाद रीवा का राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एक्शन के मूड में नजर आया। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने भी अवैध हुक्का बार, बियर बार, सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ साथ हुक्का बार को भी पूरी तरह बैन करने के निर्देश मिले थे, उस क्रम में रीवा जिले में T3 रेस्टोरेंट में चोरी छुपे संचालित किए जाने वाले हुक्का बार पर कार्रवाई की गई थी। इस क्रम में जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया 144 के तहत, और आज नगर निगम, पुलिस और रेवेन्यू की टीम ज्वाइंटली उस हुक्का बार को सील भी कर रही है, जिससे कि अन्य कोई रेस्टोरेंट इस प्रकार के हुक्का बार संचालित करके युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना कर सके।